खरगोन जिले में बस स्टैंड परिसर में बस ऑपरेटर्स और एजेंट के बीच जमकर विवाद हुआ, जो इतना बढ़ गया कि बात थाने तक जा पहुंची। लिहाजा मामले की गंभीरता को लेकर आगामी समय में विवाद की स्थिति से बचने के लिए बस मालिक पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और एजेंट प्रथा बंद करने की गुहार लगाई। इस दौरान संघ ने बताया कि एजेंट आए दिन विवाद करके जबरन पैसा वसूल करके दादागिरी करते हैं, जो शासन की मंशा अनुरूप गलत है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि ये लोग महिला यात्रियों से भी दुर्व्यवहार करते हैं और एजेंट प्रथा बंद करने में पुलिस हमें सहयोग प्रदान करे। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। यह पूरे खरगोन जिले के अंदर बस एजेंटों के द्वारा जो आतंक मचाकर जबरिया वसूली ड्राइवर कंडक्टरों से की जाती है, उसके विरोध में आज सब बस मालिक इकट्ठे होकर एक ज्ञापन देने आए थे। क्या मांग की आपने? मांग ये करी है कि भाई इनको बस स्टैंडों से हटाया जाए। हमारे ड्राइवर कंडक्टर, हमारा जो स्टाफ है, वही पूरी जो बसों को यात्रियों को लाना ले जाना, बसों के अंदर बैठाना, सभी व्यवस्था हमारे स्टाफ ही पूरा कर लेगा। इन गुंडों की ज़रूरत नहीं है। ये शराब के नशे में महिलाओं के साथ भी अभद्र भाषा का व्यवहार, ड्राइवर कंडक्टरों के साथ भी, बस मालिकों को भी गाली गलौज से उल्टी सीधी बातें करते हैं, इसलिए इनको निकालने का ज्ञापन दिया गया है। कब हुआ था विवाद? कल शाम को। हाँ, प्रवीण जी सोनी जो है हमारे बस ऑपरेटर हैं, इनसे इनकी गाड़ी के ऊपर से विवाद हुआ। अंतिम सेवन करके कोई एजेंट है, उनके द्वारा विवाद किया गया। शराब के नशे में गाली गलौज और मारपीट की, जान से मारने की धमकी भी दी गई, जिसकी FIR दर्ज कर दी गई हमारे द्वारा। क्या नाम है आपका? राजेंद्र पाल सिंह भाटिया। अभी आप SP साहब से मिले तो क्या कहना पड़ा? साहब ने कह दिया, बोले कि तत्काल प्रभाव से इनको सब गुंडों को बंद कर दिया जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।